घूमना चाहते क्या? फिर घाट को देखे यार, करो फिर। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में फर्स्ट टाइम मैं ब्रज घाट को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, लेकिन ब्रज घाट एक्सप्लोर करने से पहले अपने थोड़े से काम है, पहले उस काम को करते हैं। और सबसे पहला काम है अपने खेत में, बताया था इसमें पहले पानी लगाना है। पहले मैं सबसे पहले ट्वेल चलाना हूँ और इसमें पानी लगाऊंगा, और इसके पानी लगाने के बाद अपना नहा धुल कर ब्रज घाट चलेंगे और ब्रज घाट को आज मस्त से एक्सप्लोर करेंगे। फुल मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में, क्योंकि एक दो दोस्त और मेरे साथ चलेंगे, फुल मस्ती करेंगे और पूरा ब्रज घाट को डिटेल में बताएंगे कि क्या है, क्या चीज़ है। एंट्री तो यहीं से होगी, यहाँ से पढ़ेंगे आगे। अगर आप पैदल हैं तो निकल जाएंगे, बाइक से भी ऐसे निकल जाएंगे। गुड वे कितने रुपए लो गाड़ी वालों से? कितने लेने हैं बताओ? बताओ तो बताओ। अरे बताओगे भी मजाक नहीं कर रहा, बताओ तो ग्राउंड में रुको। 60 रुपए ले ना, वैसे पर्ची 60 रुपए। तो अगर भैया गाड़ी से हैं तो 60 रुपए देने पड़ेंगे। ब्रज घाट गंगा जी पे तो एंट्री होगी। ब्रज घाट में से कोई से भी रोड पे से अंदर आओ, लास्ट में पहुंचोगे ब्रज घाट गंगा जी पे ही, चाहे वो कोई से भी रोड है, अंदर की तरफ आते रहना, बस ब्रज घाट गंगा जी पे पहुंच जाओगे आराम से। बोट भग रही है, भयंकर भग रहे हैं। अभी हम भी आएंगे बोट में थोड़ी देर बाद। ये ना यहाँ पे दो पुल हैं, एक इधर की साइड जाने वालों का है, एक उधर की साइड जाने वालों का है। पहले जो दूसरी साइड चल रही है ना रोड, उसी पे इधर से आकरे दोनों तरफ से उसी पुल पर आना जाना। और ये पुल पता है ये 1960 में बना, ये वाला पुल पहले, और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, जो उस टाइम के प्रधानमंत्री है। और फिर अभी ये 4-5 साल से बंद है वाला पुल, और अभी खुला है, 4-5 साल पहले टूट गया था, उसके बाद अब खुला है पुल। और उसके खुलने के, इसका जो रिपेयर हुआ उसके खुलने के बस 5 दिन ही चला और ये फिर से टूट गया, और अभी 5-6 दिन पहले ही खुला है वाला पुल फिर से ठीक ठाक हो के। देख लो भाई ऐसा ही होगा यहाँ पर। और ऊपर से देखोगे जब पुल पे से तो घाट गंगा जी का व्यू कुछ ऐसा आएगा। ये दिन का व्यू है, 3 बजे का। और ये इधर सामने दिख रहा है ये आरती स्थल है। अभी तो सब सुनसान ही है, लेकिन शाम को 6 बजे के करीब यहाँ पे आरती होगी। आरती का भी दिखाएंगे सब कुछ बढ़िया। और ये सामने घंटाघर है, उसके सामने पानी की टंकी है, और आप देख रहे होंगे सामने जहाँ पे धुआं उठ रहा है, शमशान घाट है। अभी चल रहे हैं नीचे, अभी आगे बताऊंगा डिटेल में क्या क्या। ये दोनों हाईवे के बीच में रेलवे स्टेशन भी है, इसका नाम है गढ़मुक्तेश्वर पुल। पर यहाँ उतरने का कोई फायदा ही ना है, क्योंकि या तो गजरोले रुकेगी ट्रेन या फिर गढ़मुक्तेश्वर रुकेगी, इसलिए यहाँ पे कोई टिकट इतना बुक करता ही ना। और ये दोनों हाईवे हैं, एक ये है जिसकी साइड NH9 है, और ये सामने दिख रहा है लोहे वाला, ये रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे पुल है, ये रेल का है, और ये दोनों हैं ये गाड़ियों का हाईवे सामने दिख रहा है। आप हाईवे की तरफ से NH9 की तरफ से एंट्री, तो यहाँ से ये वाला फेस देखने के लिए मिलेगा यहाँ से, और सीधा आरती स्थल है यहाँ पे पास में ही बिल्कुल, यहाँ से उतरते हैं आरती स्थल दिखेगा। ये घंटाघर है यहाँ का, आरती स्थल के जस्ट सामने आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से आएंगे ना, तो ये गली है यहाँ की मेन मार्केट है तार गली, यहाँ से एंट्री लेंगे, उसके बाद यहाँ पे गंगा जी दिखेगी आपको। ये गेट है इसका।
चल, तुम पहले चप्पल उतार दे। काफी साफ है फिलहाल तो पानी गंगा जी का। मौका मिला ना इस वाली बोट में राइड करने वाले हैं हम। यहाँ पे कंट्रोल रूम खोया पाया केंद्र, संपर्क मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह होती है तो यहाँ पे कॉल वॉल करने के लिए मेरे। और जिस किसी को नहाना है भाई वो बल्ली से इस तरफ भी नहाने की अनुमति है, यहाँ पे आगे जाके नहाने की अनुमति किसी को नहीं है। अब अपना नंबर है बोट में बैठने का, चले भाई मित्र।
और कोई हमारे वीडियो का नाम लेके बताएगा तो कितने रुपए लगा लेगा उसे सवारी के? 50 लगा देगा। ठीक है 50 लगा देगा दोस्त अपना। ठीक है भाई, भाई किसी को आना हो तो आ जाइए आराम से, 100 रुपए सवारी है, 50 रुपए लगेगी, कोई दिक्कत ना है। और ये है ब्रज घाट का नाइट व्यू, अभी लगी है जल्दी में वैसे लाइट, फिर चलेंगे आरती पे और उसके बाद चलेगा फुहारा। सभी भक्त आरती स्थल पर आए और माँ गंगा की भव्य आरती के दर्शन करें, धर्म लाभ प्राप्त करें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। आरती के लिए आवाज लगी, आरती शुरू होने वाली है, बस अब चल रहे हैं आरती स्थल पे पहले। तो यार इस वीडियो को शेयर कर ही सकते हो, मैंने और किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोला, लेकिन इस वीडियो को तो यार कर ही सकते हो। देखो तुम ना चाहते क्या कोई ब्रज घाट को देखे यार, करो फिर शेयर करो यार।